आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फुर्सत की बड़ी खबर, हमीरपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध मोरंग का कारोबार। माफियाओं ने धड़ल्ले से जारी रखा है अवैध मोरंग का कारोबार। नदियों में दिखे प्रतिबंधित ओकलैंड मशीनें, मोरंग खदानों से बालू लदे ट्रकों की हो रही तस्करी। चिकासी थाना क्षेत्र के बंधौली खंड संख्या 5 का यह मामला सामने आया है। हमीरपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध मोरंग का कारोबार। माफियाओं ने नदियों का हाल किया बेहाल। नदियों में दिखे प्रतिबंधित पोकलैंड की मशीनें, मोरंग खदानों से बालू लदे ट्रकों की हो रही निकासी। चुकासी थाना क्षेत्र के बधौली खंड संख्या 5 का यह मामला सामने आया है, जहां पर धड़ल्ले से मोरंग बालू का कारोबार चल रहा है। हमीरपुर में अवैध मोरंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। माफियाओं ने नदियों का हाल बेहाल किया है। नदियों में दिखे प्रतिबंधित पोकलैंड की मशीनें, मोरंग खदानों से बालू लदे ट्रकों की हो रही निकासी। चिकासी थाना क्षेत्र के बंधौली खंड संख्या 5 का यह मामला सामने आया है, जहां पर धड़ल्ले से मोरंग का अवैध कारोबार जारी है। खबर, श्रावस्ती पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कचहरी में चोरी हुए 5 ग्रिल बरामद। ग्रिल के साथ पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। भिंगा पुलिस ने की कार्रवाई। भिंगा के लक्ष्मणपुर बाजार का बताया जा रहा है आरोपी। श्रावस्ती पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कचहरी से चोरी हुई 5 ग्रिल बरामद हुई है। ग्रिल के साथ पुलिस ने चोर को भी गिरफ्तार किया है। भिंगा पुलिस ने कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमीरपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध मोरंग का कारोबार। माफियाओं ने नदियों का हाल किया बेहाल। नदियों में दिखे प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें, अवैध कारोबार मानो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही लगातार खदानों में अवैध मोरंग धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं निकासी भी धड़ल्ले से ट्रकों द्वारा की जा रही है। हमीरपुर में से लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं इस खबर पर संवाददाता ब्रजेश ओझा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रजेश, हमीरपुर से जिस तरह लगातार अवैध खनन की खबरें सामने आती रहती है, क्या प्रशासन इस पर शिकंजा करने के में क्यों इतना नाकाम साबित हो रहा है? कृष्णा जी, आपको बता दूं कि बुंदेलखंड के बाना, हमीरपुर और जालौन जिला जो है मोरंग खनन के लिए मशहूर माने जाते हैं। यहाँ जो है गैर जनपदों से जो है मोरंग माफिया आते हैं और धड़ल्ले से इसके काले कारोबार को अंजाम देते हैं, और साथ ही इसके साथ यहाँ जो जिले में बैठे हुक्मराने होते हैं, इन मोरंग माफियाओं पर खासे मेहरबान रहते हैं। जी, तो ऐसे में जिस तरह से लगातार ब्रजेश जी खबरें सामने आ रही है धड़ल्ले से ये अवैध काम चल रहा है, मोरंग खदानों का ट्रके भी निकले, तो प्रशासन इस पे शिकंजा कसने में नाकाम क्यों दिख रहा है? ये पूरा काला कारोबार प्रशासन की मिली भगत से ही चलता है। इस काले कारोबार के एवज में प्रशासन को हर माह एक मोटी रकम जाती है, जिसके बाद ही ये धड़ल्ले से पूरा खेल चलता है। जी ब्रजेश, क्या किसी उच्च अधिकारी को उसकी खबर नहीं की गई जो इस काले कारोबार को रोक सके? क्योंकि पोकलैंड मशीनें जो प्रतिबंधित है वो भी देखने को मिल रही है, तो क्या किसी बड़े अधिकारी को इतला किया गया अभी तक? इस पूरे प्रकरण के लिए हमने अभी जिला अधिकारी जालौन और खनिज अधिकारी जालौन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी है। जैसे ही बात होगी इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या अमल में आती है, इसके बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल ब्रजेश, आप इस खबर पर बने रहिए और प्राइम टीवी की ओर से जरूर ये बड़े अधिकारियों तक ये खबर जानी चाहिए। बड़ी खबर, चिकासी थाना क्षेत्र के बधौली खंड संख्या 5 का यह मामला सामने आया है, जहां पर धड़ल्ले से हमीरपुर में अवैध मोरंग का कारोबार चल रहा है। श्रावस्ती पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कचहरी में चोरी हुए 5 ग्रिल बरामद किए गए हैं पुलिस द्वारा। वही
की ग्रिल के साथ ही साथ पुलिस ने चोर को भी गिरफ्तार किया है। भिनगा पुलिस ने कार्रवाई की है, कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ ग्रिल भी बरामद किया है। वहीं भिनगा के लक्ष्मणपुर बाजार का आरोपी बताया जा रहा है। श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, कैचहरी में ग्रिलों की चोरी हुई थी, वहीं 5 ग्रिल अब बरामद कर लिया गया है। साफ पुलिस ने चोरों के साथ ही साथ ग्रिल भी बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर गाजियाबाद में, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में हुई छापेमारी। बंगला नंबर 30 का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आयकर विभाग का छापा हुआ है। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में यह छापेमारी हुई है। बंगला नंबर 30 का यह पूरा मामला सामने आया है। इंदिरापुरम में बंगला नंबर 30 में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। गाजियाबाद में यह मामला सामने आया है, जहां पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। IRS सोसाइटी में यह छापेमारी हुई है। IRS सोसाइटी के बंगला नंबर 30 में यह खबर सामने आ रही है, जहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में छापेमारी हुई है। बंगला नंबर 30 का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर छापेमारी हुई है। आयकर विभाग ने यह छापेमारी की है। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर आयकर विभाग ने इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में छापेमारी की है। बंगला नंबर 30 में यह छापेमारी की गई है आयकर विभाग द्वारा। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में की गई है। लगातार आयकर विभाग जिस तरह से एक्टिव है, और कई जगहों पे छापेमारी पहले भी हो चुकी है, इसी क्रम में यह गाजियाबाद से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर बंगला नंबर 30 का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर गाजियाबाद में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में छापेमारी हुई है। यह पूरा मामला गाजियाबाद का सामने आया है, जहां पर इंदिरापुरम के IRS कॉलोनी के बंगला नंबर 30 में छापेमारी की गई है। आयकर विभाग द्वारा यह छापेमारी की गई है। गाजियाबाद में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बंगला नंबर 30 का यह पूरा मामला सामने आया है। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में हुई छापेमारी। बंगला नंबर 30 का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में छापेमारी हुई है। बंगला नंबर 30 में छापेमारी हुई है आयकर विभाग द्वारा। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग ने गाजियाबाद के इंदिरापुर में IRS सोसाइटी में छापेमारी की है। बंगला नंबर 30 का यह पूरा मामला सामने आया है। आयकर विभाग ने छापेमारी की है गाजियाबाद में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में छापेमारी हुई है। बंगला नंबर 30 में छापेमारी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंगला नंबर 30 जो है, उसमें छापेमारी की गई है। इंदिरापुरम की IRS सोसाइटी में यह बंगला नंबर 30 स्थित है, जिसमें आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बंगला नंबर 30 जो इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में स्थित है, वहां पर आयकर विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग की छापेमारी बंगला नंबर 30 में हुई है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी का यह मामला सामने आया है, जहां पर छापेमारी हुई है। आयकर विभाग द्वारा यह छापेमारी हुई है। वही गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, बंगला नंबर 30 में छापेमारी की गई है आयकर विभाग द्वारा। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। इंदिरापुरम कॉलोनी के IRS सोसाइटी के बंगला नंबर 30 में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आप तस्वीरों में बंगले की फोटो तस्वीर देख सकते हैं। बंगला नंबर 30 जो IRS इंदिरापुरम के सोसाइटी में मौजूद है, जहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है।
गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, पहले भी लगातार आयकर विभाग जिस तरह से एक्टिव रहा है, कई जगहों पर छापेमारी की गई है, वही इसी क्रम में एक बार गाजियाबाद में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में इंदिरापुरम के IRS सोसाइटी में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। बंगला नंबर 30 पर यह छापेमारी की गई, आप तस्वीरों में बंगला नंबर 30 देख सकते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी में यह बंगला नंबर 30 स्थित है, जहां पर बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर इंदिरापुरम में IRS सोसाइटी स्थित है, जहां पर बंगला नंबर 30 में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, इंदिरापुरम के IRS सोसाइटी में जो छापेमारी हुई है, क्या पूरा मामला है और बंगला नंबर 30 के ओनर कौन है, किसका बंगला है ये? से आयकर विभाग की जानकारी अभी तक मिल पाई है कि ये बढ़िया से बताया जा रहे हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनका घर है ये। और आयकर विभाग अंदर बैठे और अंदर सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है। आज इनका लिंक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ऐसी जिस तरह से छापेमारी इस बार कन्नौज में देखी गई, उसी तरह से देखने को मिलेगा कुछ समय बाद। कहाँ तक इनके लिंक है और किन किन लोगों के इनके लिंक है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि परिवार को जो है ऊपर उन्होंने बंद कर दिया है, लाशों में तस्वीरों में दिखने दिखे फ्लोर है, सबसे ऊपर फ्लोर है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर के परिवार को दिखा दिया गया है कि वहाँ पर वो लोग बैठे रहे, अंदर किसी तरह की उनको परेशानी या किसी चीज का सामना ना करना पड़े, कि हम लोग हमारी जो कार्रवाई है आयकर की बात वो पूरी तरह से अपने तरीके से वो लोग कर पाए। जी प्रवीण, सिर्फ आयकर विभाग ही है या फिर कोई और फोर्स या कोई और टीम भी आयकर विभाग के साथ अंदर में होने की जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी सूत्रों से तो उस जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई बताया गया है आयकर पार्टी यहाँ पर आया होगा और जो अंदर जांच कर रहे थे यहाँ पर उनकी गाड़ी भी नहीं है, अभी यहाँ गाड़ी देखिए गाड़ी उन्होंने दूर भेज दी मीडिया को या प्रेस को कुछ ना मिल पाए। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली, हम लोग मौके पर यहाँ पर पहुंचे, क्राइम टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहली फुटेज जो हम क्राइम टीम ने दिखाई है, सबसे पहली पहुंचने वाली पहली टीम क्राइम टीम है। हमने अंदर जानकारी भी दी यहाँ पर लोगों के बाद की, दो सिपाही पहले भेजे हुए बाहर तक, एक महिला सिपाही थी, एक गैर सिपाही था, जो की थोड़ी देर बाद जब देखा उन्होंने मीडिया यहाँ आती है, मीडिया कवरेज कर रही है, वो लोग अंदर चले गए। अब अंदर से देखा जाए कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अंदर जांच कर रही है और आयकर विभाग की टीम जो है वो मौके पर अंदर बैठी है, क्योंकि इसके दस्तावेजों को खुला लेंगे अभी आगे समय रहते पता चल सकते। जी प्रवीण, जैसा हम देख रहे हैं तस्वीरों में हमारे स्क्रीन पे साफ दिख रहा है कि बंगले के सामने सिर्फ एक जाति लिखा हुआ है, पाठक लिखा हुआ है, किसी ओनर का नाम सामने नहीं आ रहा। क्या पहले से इस पे आप लोगों को कोई सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, इस पे डाउट था, या फिर एकाएक ये हमला, ये जो जांच किया जा रहा है वो एकाएक सामने आया, फिर पहले से कुछ कोई भी जानकारी आसपास के से आपने क्या जुटा पाए हैं, आपकी कौन यहाँ पे रहता है या फिर कोई कौन परिवार है, यही के लोग है या फिर बाहर से कुछ लोग आके रहते हैं? देखिए, आपको बता दें, जो आपने सवाल किया बाहर वाली बात, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग जिक्र कर रहे थे कि इसके यहाँ परिवार से कोई इंसाइट है, तो कल बाहर देश से आया है, कहाँ से आया ये नहीं जानकारी मिली है। लेकिन उनकी किसी आपको बताऊँ तो किलो ये गेट है, गेट के बगल में बोले का घर है जहाँ पर एक आयकर विभाग की गाड़ी खड़ी है। देखिए, आपको दिख रहा होगा गाड़ी जो है फॉर्चुनर, वो आयकर विभाग की गाड़ी है और बताया जा रहा है कि आईसी के रहने वाले कोई व्यक्ति है जो आयकर विभाग के लिए आयकर विभाग में काम करता है। कहीं हो सकता है, हो सकता है कि उनके द्वारा जो सूचना दी गई है आयकर विभाग या आईसी टीम को, आप यहाँ पर आइए और देखिए आप यहाँ पर किस तरह से जो ये किस तरीके से मामला है, किसी के साथ जो पैसों को लेकर या मुझे है उनके पास जो टैक्स ना देने का संपत्ति जो है वो इनके पास है, आप यहाँ पर छापामारी है, हो सकता है इनको यहाँ पे इनके मिला। हमने भी पेट्रोल के हवाले से खबर मिल पाई है, लगभग 3 घंटे हो गए
तीन घंटे से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो किसी मेट को अंदर जाने के लिए जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कुरियर वाला आया था यहाँ पर, बाकायदा उसने यहाँ कॉल भेजा, एक लड़की पर से आई और उसके साथ हो सकता है छोटे वाले के अंदर उन्होंने पकड़ा था। जी प्रवीण, जैसा आपने अभी हमें तुरंत दिखाया ताजा वीडियो में कि जो आयकर विभाग की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, वो घर से काफी दूर पे खड़ी की गई है, घर के सामने बिल्कुल खाली है, कोई पुलिस भी तैनात नहीं किया गया है घर के सामने। और आपने बताया कि लगभग 3.5 घंटे से यह छापेमारी चल रही है, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से गुपचुप तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मामला कुछ बड़ा ही देखा जा रहा। बिल्कुल इस खबर के लिए जुड़े रहिए, हम जल्दी जुड़ेंगे आपके साथ। हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, इंदिरापुर में आयरस सोसाइटी में छापेमारी हुई है, जहां पर गाजियाबाद में यह बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की गई है। 3.5 घंटे से लगभग यह छापेमारी चल रही है, वहीं अभी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। हालांकि बंगला नंबर 30 के मालिक कौन है, किसके नाम से बंगला है, उनका नाम भी सामने नहीं निकल के आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सिर्फ पाटक्स लिखा हुआ है बंगला नंबर 30 पर। वहीं आपने वीडियो में देखा कि आयकर विभाग की गाड़ी घर से काफी दूर पे भी खड़ी है, जो फॉर्च्यूनर आयकर विभाग की गाड़ी है वो घर से काफी दूर पर खड़ा किया गया है। वहीं गाजियाबाद से आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर इंदिरापुर में आईआरएस सोसाइटी में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। गाजियाबाद में आयकर विभाग को बड़ी कार्रवाई मिली है, इंदिरापुरम में आईआरएस सोसाइटी के बंगला नंबर 30 पर आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई किया गया है, जहां पर हमारे संवाददाता द्वारा बताया गया कि लगभग 3.5 घंटे से छापेमारी चल रही है और अभी कोई अन्य सूचना सामने नहीं आई है। वहीं अगर बात बंगला नंबर 30 का किया जाए, तो बंगला नंबर 30 पे किसी भी ओनर का नाम नहीं लिखा हुआ है, खाली पाठक्स और बंगला नंबर 30 लिखा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए, आयकर विभाग की गाड़ी भी घर से काफी दूरी पर खड़ी की गई है, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, अन्य सभी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।